सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूबे की हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। गिरिडीह के कोदाईबाग स्थित अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति पर हेमंत सरकार खुद कंफ्यूज है, राज्य सरकार इस मामले पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। बाबूलाल ने यह भी कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। तो जब सरकार में रही तो काम किया, जब अलग राज्य बना हम राज्य के मुख्यमंत्री थे तो समय भी हम लोगों ने स्थानीयता की परिभाषा दिया, और ऐसे नहीं सर्वदलीय मीटिंग बुला करके सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे, सबने जो सर्वसम्मत से तय किया, जो बिहार के काल से जो चला आ रहा था स्थानीयता की जो परिभाषा उसी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। उसके बाद भी जेएमएम को पसंद नहीं था, तो जब रघुवर दास जी 14 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फिर बनाया और 1985 को उन्होंने कट ऑफ डेट माना, अब वही अभी भी चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो जब भी अवसर मिला तब किया, अब उनको अवसर मिला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।